बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का सब्जेक्ट EL 306। आज हम लोग इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड्स, और बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड्स में हम लोग कवर करने जा रहे हैं माइक्रो इलेक्ट्रोड्स एंड बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेडिकल इलेक्ट्रोड्स कहो या बायो इलेक्ट्रोड्स को एक ही बात है। और यहाँ पर जो इस सब्जेक्ट का यही सबसेक्शन है, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स अपन क्लास में पढ़ चुके हैं जो बड़ी साइज के होते हैं, बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड जो बॉडी पर लगाए जाते हैं। आज दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2019 के अंदर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पूछा गया था, ऐसे ही बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड के बारे में भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान 2019 में पूछा गया था। तो बोर्ड में आने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट को बहुत सारा पोर्शन ये कवर करता है। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। तो सरफेस इलेक्ट्रोड्स, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स, इन चारों इलेक्ट्रोड्स के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सरफेस इलेक्ट्रोड। द सरफेस इलेक्ट्रोड मीन्स द पोटेंशियल अवेलेबल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। जो हमारी ऊपरी स्किन है, यहाँ से कोई पोटेंशियल हमको अवेलेबल होता है सेल्स के माध्यम से। ये हमारे चेस्ट है, चेस्ट पे से भी अपन कोई भी वोल्टेज पोटेंशियल है वो सेल्स में से पिकअप कर सकें। इट्स सेंस द सिग्नल फ्रॉम द हार्ट, ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। ये हमारे पास ब्रेन जो है, ब्रेन के जो है ऊपरी सरफेस है, वहाँ से भी ले सकते हैं, हार्ट से ले सकते हैं और या किसी नर्व में से ले सकते हैं। तो दीज कॉल द सरफेस इलेक्ट्रोड्स। डायग्राम एग्जाम में हम देखते हैं कि ये डायग्राम हमें यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि बॉडी के साथ में सरफेस में कॉन्टैक्ट में रहेगा। यहाँ एक लीड वायर टर्मिनल कनेक्टेड है और ये लीड वायर कनेक्टेड होकर हमारे आगे सिग्नल को प्रोसेस करेगा। सिग्नल प्रोसेस करने के बाद में वहाँ पर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा, देन प्रोसेसर को दिया जाएगा, फाइनल फिर प्रिंट आउट लेंगे। और ये यहाँ पर एक रबर बेल्ट सपोर्टिंग लगा हुआ है। तो ये सारा डायग्राम हमको बनाना है। इसी सरफेस इलेक्ट्रोड का एक पार्ट है अपने पास में प्लेट इलेक्ट्रोड्स। प्लेट इलेक्ट्रोड का ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा होगा, रिंग शेप में आपको प्लेट इस तरह से, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर है और ये वाला नीचे इसके जो है बॉटम में ये एडेसिव लगा हुआ है। तो दीज इलेक्ट्रोड वर सपोर्टेड फ्रॉम द सब्जेक्टेड फ्रॉम स्किन बाय कॉटन पैड्स। तो कॉटन के पैड जो है अपने पास में, ये जो अपने पास में ये यहाँ देखें हाथ में, ये इस तरह के सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहाँ कॉटन के पैड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये बॉटम व्यू से आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे कि ये यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये एडेसिव टाइप के होते हैं। टॉप व्यू के अंदर हमको पता है इस तरह के होते हैं और ये कॉन्टैक्ट सरफेस में ये वाला एरिया है एंड एडेसिव टेप ये वाला पोर्शन है। तो एग्जाम में 2D डायग्राम है, आसानी से बनाया जा सकता है, तो हमें बनाना चाहिए। दीज इलेक्ट्रोड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम सब्जेक्ट स्किन बाय द कॉटन पैड शॉक्ड इन द स्ट्रॉन्ग सीलिंग सॉल्यूशन। ये चिपक जाते हैं। दीज प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैव जनरली स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया। छोटे साइज के होते हैं, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस छोटे साइज में, और इसका एरिया जो है वो कम होता है एंड दे डू नॉट टोटली सील ऑन द पेशेंट। तो इस तरह से पूरा पैक करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर सरफेस में ये कॉन्टैक्ट मिलता है इसलिए इसको सरफेस इलेक्ट्रोड करते हैं। और सरफेस इलेक्ट्रोड का ही एक पार्ट है प्लेट इलेक्ट्रोड्स। तो डायग्राम बनेगा तो एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और अपन को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। लिम्ब्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो हमारे हाथों और पाँव पर लगाए जाते हैं। जब भी हम ECG वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, दो यहाँ हाथ में और दो पाँव में, ये चारों तरफ अपन लगाते हैं। जैसे ये पेशेंट अपने दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर रेड कलर का आपने दिख रहा है, लिम्ब लीड्स कहलाते हैं, ये यहाँ लगाया है। अर्थ इलेक्ट्रोड्स के लिए यहाँ पर पाम में जो है वो ब्लैक कलर का अपने लगा रखा है एंड यहाँ पर सबके डिफरेंट कलर्स हैं। एंड यूनिपोलर लीड्स ये येलो कलर का लगा, एंड बाईपोलर अपने पास लीड्स होती है वो ग्रीन कलर की। तो ये चारों जो है यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स और ये डिफरेंट टाइप के कलर्स के अपने पास में ये लिम्ब इलेक्ट्रोड्स अपन को दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो इनकी सहायता से अपन इजीली देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का है। इस ब्लैक कलर के लीड्स को अपन को यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड्स के रूप में यहाँ पर कनेक्ट किया है। देन अपने पास रेड इलेक्ट्रोड है ये वाला, तो ये लिम्ब इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन येलो अपने पास में है, तो यूनिपोल लीड्स के नाम यहाँ से कनेक्ट किया गया। एंड ग्रीन जो अपने पास में बाईपोलर लीड्स।
तो इस तरह से हम चारों जो है किसी पेशेंट्स के अंदर जब भी ईसीजी वगैरह लेंगे तो इनको कनेक्ट करेंगे। तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स इट इज़ सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑन द फोर लिम्ब्स ऑफ द बॉडी एंड दे कॉल द लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, जो हाथों और पाँव पर लगाए जाते हैं इसलिए इनको कहते हैं लिम्ब इलेक्ट्रोड्स। ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर सिंस पेशेंट्स लेग्स आर इमोबाइल लिम्ब इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस, जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता है और उस वक्त हमें कंटिन्यूस अपने बेड साइड मॉनिटर जो पेशेंट के पीछे की तरफ लगा रहता है वो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बेड साइड मॉनिटर पर मिलती है, उस पेशेंट में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में क्या लेवल है, उसके बाद में पल्स रेट कितनी है उसकी, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पेशेंट के पीछे एक टीवी मॉनिटर सा दिखाई देता है जो पेशेंट जहाँ लेटा रहता है आईसीयू के अंदर उसके बैक साइड में चलता रहता है। तो वहाँ ईसीजी वेवफॉर्म वगैरह के लिए हम इसको क्या करते हैं कि उसके चारों दोनों हाथों में और दोनों पाँव में इन चारों इलेक्ट्रोड्स को अपन यूज़ करते हैं तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स। ये सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स मेनली ईसीजी के अंदर काम आता है। इट मेजर द ईसीजी फ्रॉम द वेरियस पोजिशन ऑफ द चेस्ट, सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स आर यूज। यहाँ पर अपन देखते हैं कि बहुत सारे जो अपने जो है यहाँ पर अलग अलग वॉल्स लगे होते हैं अपने हार्ट्स के अंदर और वहाँ पर्टिकुलर एक वॉल एक वेवफॉर्म जनरेट करता है। तो हमने पास ईसीजी वेवफॉर्म जो आती है तो वहाँ अपन ये पेशेंट, जैसे आपने देखा कि यहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ है और इसके चेस्ट पे बहुत सारे वॉल्स जो है वो लगे रहते हैं, ये पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चारों लिम्ब्स में लगाने के बाद में ये सक्शन कप चेस्ट में लगाए जाते हैं और यहाँ चेस्ट में लगाने वाले इलेक्ट्रोड ट्रांसमिट द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ईसीजी मशीन्स। ये लगभग 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, 5 मिनट के लिए अपने ईसीजी वेवफॉर्म्स अपन इससे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इस तरह से सक्शन कप इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर ये जो सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स इट मेजर द ईसीजी फ्रॉम द वेरियस पोजिशन ऑफ द चेस्ट, सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स आर यूज। इट इज़ सुटेबल वेल टू अटैच टू द इलेक्ट्रोड्स ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन। ये जो कॉन्टैक्ट सर्फेस ये वाला दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जब इसको स्क्यूज किया जाता है, इसको दबाया जाता है रबर बल्ब को, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, ये वाला कॉन्टैक्ट सर्फेस है ये चेस्ट पे इजीली उसके साथ में कॉन्टैक्ट में आ जाता है और वो यहाँ चिपका रहता है और लीड्स ये जो आपके कनेक्ट है ये लीड्स है इसके थ्रू से अपने पास में वोल्टेज जो है अपने प्रोसेस को दी जा रही है। दिस इज सुटेबल टू वेल अटैच्ड इलेक्ट्रोड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड सॉफ्ट टिश्यूज, दे हैव द गुड कॉन्टैक्ट सर्फेस। ये जो कॉन्टैक्ट सर्फेस है वो इतना गुड अच्छा होता है कारण है कि इसके अंदर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से और इसमें हवा का बिल्कुल नहीं होने की वजह से ये बॉडी पर जब तक अपन रीडिंग लेंगे तब तक ये यहाँ चिपका रहेगा। तो यहाँ पर अपने जेली लगा देते हैं, जेली लगाने के बाद में इसको स्टिक किया जाता है। द फिजिकली दे आर लार्ज बट स्किन कॉन्टैक्ट ओनली द इलेक्ट्रॉन से। साइज़ तो बड़ा होता है इसमें, ऐसी बात नहीं, साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं पर ठीक है, नॉर्मल साइज़ होता है, साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जब इसको क्या है कि अपन यहाँ पे स्टिक किया जाता है तो नीचे का जो एरिया है ये वाला पोर्शन ये बड़ा छोटा होता है। तो यही हमारे यहाँ पर चेस्ट के अंदर यहाँ से करें तो इस तरह से ये सक्शन इलेक्ट्रोड्स अपने पास में ये मैक्रो इलेक्ट्रोड्स का ही एक पार्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में दैट इज़ ए फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स। ये फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स में आप देखें इसके अंदर सबसे पहले यहाँ इंसुलेटिंग पैकेजिंग ये लगी हुई है यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर ये मेटल डिस्क यहाँ लगी हुई है जिसके थ्रू अपने पास सिग्नल पास होता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट जेली इस यहाँ होती है इलेक्ट्रोलाइट जेली और ये डबल साइडेड एडेसिव टेप होती है। तो यहाँ एक ऊपर चिपक जाती है, एक स्किन पर बॉडी नीचे जाती है, लेकिन पेशेंट की जो स्किन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती इसके जो इलेक्ट्रोड्स के, लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन होता है। दीज इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैन बी एलिमिनेट द मूवमेंट इरोज कॉल्ड आर्टिफिशियल। अब इसमें क्या है कि ये वाला पोर्शन है ये तो फिक्स हो जाता है। अब हमारे पास में जो पहले ये प्रॉब्लम थी स्किन पे कोई भी इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है अगर पेशेंट का मूवमेंट हाथ का हो गया तो उसकी वजह से सिग्नल प्रॉपर पिकअप नहीं हो सकता है। अगर अब पेशेंट किसी भी स्थिति में अगर हाथ का मूवमेंट भी कर देता है किस तरह से तो भी हमको सिग्नल प्रॉपर मिल जाता है, इसलिए कहते हैं फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स। विच मीन्स द प्रॉब्लम विद द प्लेट इलेक्ट्रोड। प्लेट इलेक्ट्रोड में क्या था, अगर प्लेट प्रॉपर जो है स्टिक नहीं हो पाई या पेशेंट का हाथ हिल गया तो सिग्नल नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, अगर मूवमेंट के साथ में भी
इलेक्ट्रोड्स को स्थिर रखता है। बिल्कुल ऐसे ही एक जैसे अपने पास कैमरा होता है, कैमरे में एक इंस्ट्रूमेंट होता है गिम्बल करके, गिम्बल में क्या है कि कैमरे को इस ऊपर लगा दें आप, फिर आप वो नीचे वाला पोर्शन को कितना भी मूवमेंट दे दें वो आपकी स्टिल फोटोग्राफ्स लेता रहता है, वो उसमें मूवमेंट नहीं आता है, दैट इंस्ट्रूमेंट नॉन एज ए गिम्बल। सेम यहाँ पर एक फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड से जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो फ्लोटिंग हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी पोर्शन जो है वो फिक्स होते हैं और वहाँ से अपन सिग्नल को, दिस इज डन बाय अवॉइडिंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेटल विद द स्किन। यहाँ पर जो है मेटल स्किन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये जो मेटल है और ये जो स्किन है यहाँ इसके नीचे इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या है कि फ्लोटिंग शेप में ये घूम जाएगा। या अपन ऐसे करेंगे कोई प्लग की जैसी है, एक बार जैसे इंसर्ट कर दिया जब जरूरत हुई फिर अपन इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग वाला है इसको अपन इंसर्ट कर दें निकाल लें, लेकिन ये वाला एक पोर्शन जो है फिक्स रहता है। सो द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड इज मैकेनिकल रिजिबिलिटी, ये बहुत मैकेनिकल रिजिबिलिटी है, स्थिरता देता है। हियर इज द कंडक्टिव पाथ बिटवीन द मेटल एंड स्किन इज द इलेक्ट्रोलाइट प्लेट और जेली। यहाँ जो कंडक्टिंग पाथ जो है दोनों के बीच में, बॉडी जो अपने पास स्किन है और इसके बीच में, ये इलेक्ट्रोलाइट जेली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये एग्जाम में अगर अपन डायग्राम बनाते हैं इसका तो बड़ा सुंदर सा डायग्राम बन सकता है। यहाँ जेली लिखना है, ये इलेक्ट्रोड जो अपने पास दिखाई दे रहा है, ये मेटल डिस्क है अपने पास में, यहाँ क्या डबल साइड एडेसिव टेप लगानी है, ये इंसुलेटिंग पैकेजिंग है, सारी अपन इसके प्रॉपर टैग लगा देंगे और सारे नाम जब अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत सहूलियत रहेगी। कोशिश करना चाहिए अगर कोई भी हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट्स है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि अगर थोड़ी जो है जिसके अंदर डायग्राम के अंदर पर्टिकुलर्स जिनके नाम लिखने हैं वो अंग्रेजी में होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। डायग्राम बड़ा सुंदर होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, HB की डार्क पेंसिल से बना होना चाहिए। ये सब बातें अपन कई बार बता चुके हैं लेकिन ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है हमारे पास में मैक्रो इलेक्ट्रोड्स और मैक्रो इलेक्ट्रोड में चार तरह के, सरफेस इलेक्ट्रोड, स्लिम इलेक्ट्रोड, सक्शन इलेक्ट्रोड और फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स, और चारों ही एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सरफेस इलेक्ट्रोड्स में अपन जानते हैं कि सरफेस पे लगता है और ये सारे डायग्राम्स के अंदर बनेंगे। उसके बाद में लिम है जो दोनों हाथों पर लगाया जाता है और पानों पाँव पर लगाए जाते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लिम इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। एंड सक्शन इलेक्ट्रोड जो ECG वेवफॉर्म के समय हमारे पास में यहाँ चेस्ट पर लगाए जाते हैं इसको सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर मेटल डिस्क और स्किन के बीच में एक जेली होती है वो कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है, तो ये फ्लोटिंग शेप में हो सकती है। तो ये बहुत छोटा और अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको हर एक के बारे में अगर 3-3 मार्क्स के भी होते हैं तो टोटल ये अपने पास में 12 मार्क्स में डायरेक्ट माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। इन चारों को अपन को एक्सप्लेन करना है और आसानी से अपन डायग्राम के साथ करेंगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। थैंक यू।